उन सब मदरसों को बंद कर देना चाहिए और भारत सनातन हिंदू संस्कृति का देश है। संसद भवन के उद्घाटन के साथ साथ इस संविधान को भी लागू करना चाहिए। सरकार का काम गाय भैंस भेड़ बकरी पालना नहीं होता, तो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जाति के आधार पर बांट रहा है। आज की पत्रकार वार्ता किन मुद्दों को लेकर के की गई? देश के अंदर नए संविधान भवन का निर्माण हो रहा है, तो वर्तमान संविधान छिन्न भिन्न हो चुका है। वर्तमान संविधान निष्पक्षता के साथ ना तो न्याय दे रहा है, वर्तमान संविधान जो है लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जाति के आधार पर बांट रहा है, राष्ट्रवाद का पूरक नहीं है। इसलिए नए संसद भवन के साथ साथ पुराने संविधान की समीक्षा करते हुए नया संविधान जो एक देश एक नागरिक एक कानून की बात करता हो, जो जाति की बात ना करता हो, धर्म की बात ना करता हो, केवल राष्ट्रवाद की बात करता हो, और भारत सनातन हिंदू संस्कृति का देश है। दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा है जो सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का पोषक है। उस सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप भारत का संविधान नए सिरे से बनना चाहिए और नए संविधान के उद्घाटन के साथ साथ संसद भवन के उद्घाटन के साथ साथ इस संविधान को भी लागू करना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर के काफी इस समय हो हल्ला चल रहा है और वो भी कहीं ना कहीं से सूचनाएं ऐसी आ रही हैं, उसको लेकर के आपका पक्ष क्या है और सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? एक तो जितने मदरसे हैं उन सब मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जो आधुनिक हमारी शिक्षा है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। सारे के सारे मदरसे जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, बीएसए होते हैं, सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार चलने चाहिए। मदरसों को अल्पसंख्यक के नाम पर जो खैरात बांटी जा रही है बंद होनी चाहिए। और ये जो मौलाना हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की संपत्ति है, इन मौलानाओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी बहावी पैसे की फंडिंग मौलानाओं को केवल भारत में धर्मांतरण के लिए दी जा रही है। गोवंश को लेकर के आपने बात की, बहुत सारे गोवंश अभी रोड पे घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही उन्हें सही करने के लिए बोला गया था, सही जगह रखने के लिए बोला गया था। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या पक्ष है और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि वास्तव में सरकार का काम गाय भैंस भेड़ बकरी पालना नहीं होता, ये समाज का काम है। और ये हिंदू समाज की दुर्बलता है कि वो गाय को माँ कहते हैं और उनकी माँ सड़कों पर भटक रही है। योगी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम प्रदेश की कोई भी गाय कोई भी नंदी ऐसे सड़क पर नहीं भटकेगा, उसकी व्यवस्था करेंगे, उसके लिए फंड जारी करा, उसके लिए सरकारी मशीनरी लगाई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हरदोई जनपद में मेरा कई बार आना हुआ है, होता रहता है। अन्य किसी जनपद में मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा जितना मैंने गाय और नंदी को। क्या हरदोई जनपद की सड़कें केवल इसलिए बनी हैं कि यहाँ गाय और नंदी घूमते रहें, इन पर बैठे रहें? यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? हर ब्लॉक पर सरकार ने एक गौशाला की व्यवस्था, उसके लिए पैसा दिया है, वो कहाँ है? यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ का शासन प्रशासन वो क्या कर रहा है? मैंने विश्व परिषद वालों को आग्रह किया है कि इन गायों का फोटो खींचकर और आदरणीय योगी जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लेटर लिखें कि हरदोई में यह स्थिति है, यह दुर्दशा गायों की। वहाँ मनभेद और मतभेद काफी समय जो है मीडिया में चल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव से पहले कितना संभलना चाहिए या बीजेपी को? देखिये, ये प्रश्न तो बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में निसंदेह योगी जी बहुत अच्छी शासन व्यवस्था दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था में
कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, अपराध पर रोक लगी है, कहीं भी कुछ होता है तो निर्णय लेने में कोई देरी नहीं लगती। बहुत दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार है और यही सरकार अभी आगे भी चलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।